अब सॉल्व होंगे सारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी के क्वेश्चंस। बस जुड़ जाए सुनीता देवी एकेडमी के साथ वाय सब्सक्राइबिंग दिस एजुकेशनल चैनल। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग सुनीता देवी एकेडमी। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट हेल्थ केयर का यूनिट 2 इंट्रोडक्शन टू केयर प्लान एंड केयर ऑफ पेशेंट का सेशन 3 आइडेंटिफाई वाइटल साइंस एंड रिपोर्ट। बाकी के सेक्शंस आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें भी ज़रूर देख लीजिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन 3। सो इस सेशन में हम जानेंगे वाइटल साइन क्या होता है। सो जो वाइटल साइन है वो बॉडी के मोस्ट बेसिक फंक्शंस को मेज़र करने का एक मेज़रमेंट है। वाइटल साइन जो है वो एक बेसिक कंपोनेंट है किसी भी क्लाइंट के हेल्थ के फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ का असेसमेंट लेने के लिए। वाइटल साइंस जो होते हैं वो बेसिकली 4 तरीके की होते हैं, बॉडी टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन एंड ब्लड प्रेशर। जो वाइटल साइन है वो जीडीए को हेल्प करता है ये पता करने में कि जो पेशेंट है उसे एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है और जो केयर प्लान जीडीए बना रहा है उस पेशेंट के लिए उसमें किस तरीके के स्टेप्स इन्वॉल्व होने चाहिए। और साथ ही साथ जो वाइटल साइन है ये जीडीए की हेल्प करता है ये डिटेक्ट करने में, ये पता लगाने में कि जो क्लाइंट का हेल्थ स्टेटस है वो किस तरीके से, उसमें कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है। वाइटल साइन को हम कार्डिनल साइन भी बोलते हैं और एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए ये कांस्टेंट रहता है। जो वाइटल साइन है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है मेडिकल प्रॉब्लम्स को मॉनिटर या डिटेक्ट करने के लिए। और ये जो वाइटल साइन है ये ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ मेडिकल सेटिंग या हॉस्पिटल में ही मेज़र करें, बल्कि इसे घर पर भी देख सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं वाइटल साइन को। यानी कि वाइटल साइन कहीं भी मेज़र किया जा सकता है, चाहे वो मेडिकल सेटिंग हो यानी चाहे हॉस्पिटल में या फिर घर पे या फिर कहीं भी वाइटल साइन को मेज़र किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है वाइटल साइन से कि किसी क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम है या नहीं और प्रॉब्लम है तो किस तरीके की प्रॉब्लम है। सो वाइटल साइन में हम सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट वाइटल साइन दैट इज़ बॉडी टेम्परेचर के बारे में। जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी होता है उसके बॉडी टेम्परेचर को हम नॉर्मोथर्मिया या यूरोथर्मिया भी कहते हैं। और ये जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है एक हेल्दी पर्सन में भी वेरी करता है। जब हम बॉडी टेम्परेचर लेते हैं किसी नॉर्मल या हेल्दी पर्सन का, वो भी डिपेंड करता है कि हम वो बॉडी टेम्परेचर उसके किस पार्ट से ले रहे हैं। यानी कि बॉडी के अलग अलग पार्ट में अलग अलग टेम्परेचर होता है। यानी कि किसी पर्सन का बॉडी टेम्परेचर ले रहे हैं तो वो डिपेंड करता है कि हम उस बॉडी के किस पार्ट से ले रहे हैं, दिन के किस टाइमिंग में ले रहे हैं, सुबह में ले रहे हैं, आफ्टरनून में ले रहे हैं या फिर किस टाइमिंग पर ले रहे हैं। और जो बॉडी या पर्सन है उसने कोई एक्टिविटी करके आ रहा है या फिर अभी कोई एक्टिविटी नहीं किया है, उसके अकॉर्डिंग उस पर डिपेंड करता है उस पर्सन के बॉडी टेम्परेचर। सो इन सब का यही मतलब है कि जो बॉडी टेम्परेचर होता है एक हेल्दी पर्सन में भी वो वेरी करता है। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट होता है। जो रेक्टल मेजरमेंट होते हैं टेम्परेचर के वो स्लाइटली हाइयर होते हैं उन टेम्परेचर्स के कंपैरिजन में जो हम ओरल यानी मुंह से ओरल टेम्परेचर लेते हैं। और जो ओरल टेम्परेचर है वो ज़्यादा स्लाइटली हाइयर होता है स्किन के टेम्परेचर्स। इसी वजह से जो कॉमनली एवरेज बॉडी टेम्परेचर लिया गया है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या
98.6 फॉरेनहाइट लिया गया है, और वही टेम्परेचर अगर अंडर द टंग यानी कि ओरल मेजरमेंट ले रहे हैं टेम्परेचर का बिलो द टंग वहाँ से ले रहे हैं, तो जो बॉडी टेम्परेचर होगा वो 36.8 डिग्री एंड फॉरेनहाइट में 98.2 फॉरेनहाइट होगा टेम्परेचर। और इसी तरह से अलग अलग बॉडी पार्ट का जो टेम्परेचर है वो स्लाइटली एक दूसरे से डिफरेंट होता है एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में भी। अब इसके बाद से हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन फॉर टेकिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर लेने से पहले हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक जुड़े रहें सुनीता दीवी एकेडमी के साथ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जुड़े रहें सुनीता दीवी एकेडमी के साथ। थैंक यू।